हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में दोस्तों जो हम आपके लिए वैकेंसी लेकर आए हैं वो निकली है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, ये पक्की सरकारी नौकरी है, इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है तो भी आप इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, क्या इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात की जाए दोस्तों अगर वैकेंसी की, जो पहली वैकेंसी निकली है दोस्तों वो निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें कि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ 10th पास, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपकी स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट की। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आपकी स्पीड मांगी गई है 20 वर्ड पर मिनट की। इसमें दोस्तों जो आपकी एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 30 साल तक की, और आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी लेवल 2 के तहत। बात की जाए दोस्तों अगर नेक्स्ट वैकेंसी की, जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है दोस्तों वो निकली है टेक्नीशियन ग्रेड 4 की। इसमें दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड। इसमें दोस्तों जो आपकी एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 30 साल तक की, और दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी लेवल 2 के तहत। बात करें दोस्तों अगर नेक्स्ट वैकेंसी की, जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है दोस्तों वो निकली है CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 की। इसमें दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है आप 10th पास होने चाहिए, उसमें आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 1 साल का। अगर दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा है इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स में तो दोस्तों इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें जो आपकी एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 30 साल तक की, लेवल 2 के तहत इसमें दोस्तों आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी जो दोस्तों निकली है वो निकली है मसालची और बियरर की, जिसमें कि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ 10th पास, लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लार्ज केटरिंग सेक्टर में 18 से 30 साल तक की। इसमें आपकी एज मांगी गई है लेवल 1 के तहत दोस्तों इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की, जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है दोस्तों वो निकली है सिक्योरिटी गार्ड की, जिसमें कि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ 10th पास। इसमें दोस्तों आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी मेंशन है आपकी, जिसमें हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर और आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस अगर होगा एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन हेल्थ डिपार्टमेंट तो इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की, जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है दोस्तों वो निकली है ऑफिस अटेंडेंट की, जिसमें कि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ 10th पास, लेवल 1 के तहत इसमें आपको सैलरी मिलेगी, 18 से 30 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको वहां जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म को लिंक को ओपन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े ही ध्यान से फिल कीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म की आपको फीस भी पे करनी है दोस्तों, अगर आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो वो रिफंड नहीं होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपको जो फीस पे करनी है वो करनी है 1500 रुपये, अगर आप ST SC से हैं दोस्तों तो आपको जो फीस पे करनी है वो करनी है 800 रुपये। PWD के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी, अगर आप ST SC से हैं तो आपको इसमें 5 साल के एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप OBC से हैं तो आपको इसमें 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिल करने की वो है 13 जुलाई 2023। जी हाँ दोस्तों 13 जुलाई 2023 से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। एडवर्टीजमेंट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एडवर्टीजमेंट को अपने आप गो थ्रू जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।